दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में देश की आधारिक संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में निरंतर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं, जिससे देश में निर्धारित समय के अंदर विश्व स्तरीय आधारिक संरचना तैयार की जा सके। इस आधारिक संरचना के अंतर्गत पुल, बिजली, बांध, राजमार्ग एवं शहरों की आधारिक संरचना का विकास मुख्य रूप से शामिल है। हमने अपने काफी सारे वीडियोस भारत में होने वाले विकास कार्यों पर बनाए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में बन रहे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के बारे में। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका दिल्ली में बनने वाला एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन स्थल, कन्वेंशन सेंटर एवं बिजनेस कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ट्रेड शोज और सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए विश्व स्तर की सुविधाएं सुलभ होंगी। ये स्थल प्रमुख परिवहन केंद्र, डिप्लोमेटिक एनक्लेव, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स एवं एरो सिटी होटल्स के पास है। ये स्थल दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार मार्ग दो से पहुँचा जा सकेगा। ये दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन से नजदीक है तथा एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो और द्वारका मेट्रो लाइन भी इस केंद्र तक विस्तारित होंगी। 26,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 90 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र में एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित इस कॉम्प्लेक्स का विकास प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें 5 बड़े प्रदर्शनी हॉल होंगे, एक मल्टी फैसिलिटी कन्वेंशन सेंटर, एक मल्टीपर्पज एरिना यानी क्रीडांगन, 1 किलोमीटर लंबा ग्रैंड फॉयर जिसमें सभी सुविधाएं बखूबी जुड़ी होंगी, और एक बहु उपयोगी विकास क्षेत्र जिसमें रिटेल, ऑफिस स्पेस, हॉस्पिटलिटी और मनोरंजन सुविधाएं सुलभ होंगी, जो इसे दक्षिण एशिया में सबसे बड़े कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स का दर्जा देंगी। इसमें कई प्रवेश एवं निकास द्वार होंगे। ये परियोजना 2024 तक पूरी हो जाएगी। प्रत्येक भवन का डिजाइन एक आइकॉनिक निर्माण के रूप में किया जा रहा है और इन्हें गुणवत्ता के सर्वोच्च मानकों के अनुरूप निर्मित किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। इसकी परिकल्पना एक आइकॉनिक रूप संरचना के साथ की गई है, जो समूचे कॉम्प्लेक्स का ताज होगा। इसमें देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जिसमें 10,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता होगी। इस बिल्डिंग में विशेष रूप से फ्लेक्सिबल स्पेसेस और कवर्ड टेरेसेस भी होंगे, जिसके अंतर्गत एक प्लेनरी हॉल होगा जिसमें 6,000 लोग बैठ सकेंगे। बड़े क्षेत्र वाला खाली प्री फंक्शन एरिया, वीआईपी लाउंज और विभिन्न बैठक कक्ष होंगे। कॉम्प्लेक्स के ऊपर बनी आकर्षक दृश्य वाली एक स्काई लॉबी होगी। एक शानदार बॉल रूम होगा जिसमें 2400 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कन्वेंशन सेंटर 1 किलोमीटर विशाल ग्रैंड फॉयर द्वारा एग्जीबिशन हॉल्स से जुड़ा होगा, जिसका निर्माण क्षेत्र 60,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। ये कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन हॉल में जाने वाले दर्शकों के लिए मुख्य आवागमन क्षेत्र होगा। यहाँ कैफे, रेस्टोरेंट और इंफॉर्मेशन डेस्क जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। 5 एग्जीबिशन हॉल्स के अतिरिक्त एक खुला एग्जीबिशन एरिया होगा, जहाँ 2,70,000 वर्ग मीटर से अधिक का बिल्ट अप स्पेस उपलब्ध होगा। इनकी छतें रंगीले पैनल्स और एक जीवंत पैटर्न से सुसज्जित होंगी, जो
इसकी विशेषता को परिभाषित करेंगी। इसका अग्रभाग मेहराब नुमा आकार में खुलेगा, जो दर्शकों का स्वागत करता प्रतीत होगा, और बाहरी प्रदर्शन क्षेत्र इस तरह बनकर तैयार होगा कि प्रदर्शनियां आम लोगों के बीच होती प्रतीत होंगी। बहुउद्देशीय एरिना एक आइकॉनिक आकृति है, जिसमें आधुनिक एलईडी से प्रकाशित अग्रभाग और रिट्रैक्टेबल छत बनी है। इसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर का होगा और 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। ये एशिया महाद्वीप में अपनी तरह का सबसे विशाल होगा। एरिना का अंदरूनी भाग पूरी तरह एडॉप्टेबल होगा, जिसमें संगीत समारोहों से लेकर इंडोर स्पोर्ट्स कार्यक्रम तथा सम्मान एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जा सकेगा। परियोजना क्षेत्र के लगभग 60% भाग का विकास मिक्स्ड यूज के रूप में होगा। 40,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र में 3,500 होटल कक्ष, ग्रीन बुलेवर्ड, ऑफिस स्पेस, व्यापार और वित्तीय केंद्र तथा दर्शकों और निवासियों के लिए मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। अलग अलग प्रवेश मार्ग होंगे। प्रतिनिधियों, दर्शकों, सर्विस उपभोक्ताओं के लिए IICC को हाई स्पीड एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो लाइन के द्वारा सीधे मेट्रो संपर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके कॉम्प्लेक्स के मध्य में इसका अपना एक अलग स्टेशन होगा। कॉम्प्लेक्स के सभी भवन एक दूसरे से बेसमेंट पार्किंग से जुड़े होंगे, जिसकी क्षमता 27,000 वाहनों की होगी। ये कॉम्प्लेक्स एक वृत्ताकार अवसंरचना के रूप में विकसित होगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और 5,00,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। इससे औद्योगिक विकास तेज होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। IICC भारत को दुनिया में एक वैश्विक भागीदार के रूप में प्रतिष्ठापित करेगा। IICC सस्टेनेबिलिटी परियोजना का केंद्र है, जिसके लिए भवनों में छतों के ऊपर सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रीसाइक्लिंग सिस्टम्स लगाए जाएंगे। साथ ही साथ ऊर्जा की खपत कम करने के लिए खुले क्षेत्र और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणालियों की व्यवस्था होगी। सस्टेनेबिलिटी के लिए इसे प्रमाणीकृत IGBC प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की परिकल्पना भारतीय संस्कृति से अनुप्रेरित है। स्ट्रीट आर्ट से लेकर प्राचीन राजमहलों तक वस्त्र पैटर्न से लेकर स्टेप वेल्स तक इस कॉम्प्लेक्स के भवन स्थानीय कला और वस्तु के समकालीन युग को दर्शाते हैं। अपने आप में विशेष हर भवन भारतीय कला और मूल भाव का प्रतिनिधित्व करेगा, ताकि उसे सहज रूप से पहचाना जा सके। जैसे कि फॉयर का अग्रभाग स्वागत करते हुए नमस्कार की मुद्रा में होगा। प्रदर्शनी केंद्र की छतें रंग बिरंगी छटा बिखेरती होंगी। कन्वेंशन सेंटर खुले हाथों से स्वागत करता हुआ दिखाई देगा और एरिना मंडल की आकृति के रूप में आकर्षित करेगा। 2020 में प्रथम चरण पूरा होने के बाद इस कॉम्प्लेक्स की जगमग होती रोशनी पूरे विश्व का भारत में स्वागत करती दिखाई देगी। इसमें प्रत्येक वर्ष 100 से अधिक गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। IICC भारत को पूरे विश्व में माय स्थान और एक अग्रणी की भूमिका में स्थापित करेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। जय भारत।